इस टॉपिक का टाइटल है वायशॉक लैब नंबर थर्टी फोर सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं इस टॉपिक के आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक स्टूडेंट विल बी एबल टू फाइन्ड डी एन एस रिस्पॉन् जो फिगर्स हैं जो मटेरियल है इन दिस टॉपिक दे हैव बिन फ्रॉम लॉरा चैपल्स बुक विद द विदल शूटिंग विद वाइशॉक लोकेटिंग द सोर्स ऑफ परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स और ये बुक कब पब्लिश हुई थी ये, ये 2014 में पब्लिश हुई थी डोमेन नेम सर्विस डी एन एस इट प्रोवाइड्स द नेटवर्क आई पी एड्रेस ऑफ ए मशीन फॉर द नेम नेटवर्क नेम सचेज डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट पारशॉक डॉट ओ आर जी तो जो डी एन एस है वो हमें क्या करता है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट पार डॉट ओ आर जी ये नेम है नेटवर्क के किसी मशीन का तो आप इसका आई पी एड्रेस ढूंढना चाह रहे हैं तो डी एन एस इस मैपिंग को ये मैपिंग प्रोवाइड करता है नेम को और आई पी की मैपिंग प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन्स एप्लीकेशन प्रोटोकॉल सचेज़ एस एम टी पी एच टी टी पी देंरेट डी एन एस क्यूरीज़र प्रोवाइड ए नेटवर्क नेम टू दैम तो जो ही आप अपने वेब ब्राउजर के अंदर डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट डॉट ओ आर जी लिखेंगे तो ये जो आपका वेब सर्वर वेब ब्राउजर है इसको ये क्या करेगा डी एन एस क्यूरी जनरेट करेगा डी एन में क्या होगा इट it व wants, it, it wants uh, जो हमारा ब्राउजर है इट वर्न अबाउट द मैपिंग कि ये जो वायशॉक का जो वाइशॉक डॉट ओ आर जी का जो uh, वेब सर्वर है इस मशीन का आई पी एड्रेस क्या है तो वो लर्न करना चाहता है इस मकसद के लिए वो डी एन एस क्यूरी जनरेट करता है तो जो ये डी एन एस क्यूरी किस को बेची जाती है डी एन एस सर्वर को बेची जाती है और डी एन एस सर्वर क्या करता है इट विल रिस्पॉन्ड बैक विद द मैपिंग तो नाम और आईपी एड्रेस इस पेयर को वो वापस भिजवा देगा आपकी तरफ जो ये डीएनएस है दिस सर्वर रिक्वेस्ट रिस्पांस प्रोटोकॉल एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है और ये जो डीएनएस है ये क्या यूज करता है यूडीपी एम्प्लॉय करता है अब हम इस लैब एक्सपेरिमेंट पे हम क्या करेंगे वी विल ऐड एंड सॉर्ट इफ डीएनएस डॉट टाइम कॉलम डिफाइंड डीएनएस रिस्पांस टाइम्स तो सर्वर से आने वाले जो रिस्पांसस है उनके टाइम को हम एग्जामिन करना चाह रहे हैं इस मकसद के लिए हम क्या करेंगे एक कॉलम ऐड करेंगे पैकेट लिस्ट पैन के अंदर जो हमें क्या डी एन एस टाइम कॉलम बताएगा और फिर हम इसे सॉर्ट भी करेंगे द फर्स्ट स्टेप ऑफ आवर लैब एक्सपेरिमेंट इज कि आप क्या करें टी आर डैश डी एन एस डैश स्लो डॉट पी कैप एन जी ये ट्रेस फाइल है ये हमने डाउनलोड कहाँ से करनी है जो लॉरा चैपल की बुक है उसकी वेबसाइट पे ये अवेलेबल है तो आप इसे डाउनलोड करें वॉस शॉप के अंदर इसको ओपन कर दें स्टेप नंबर टू में हम क्या करेंगे स्टेप नंबर टू में जो डी एन एस डॉट फील्ड है इट एग्जिस्ट ओनली इन डी एन एस रिस्पॉन्स पैकेट ये जो डी एन एस रिस्पॉन्स पैकेट्स जो डी एन एस सर्वर से आता है ये डी एन एस डॉट टाइम फील्ड उसमें एग्जिस्ट करता है तो आप क्या करते हैं इस पैकेट नंबर थ्री पे जाए इज़ द फर्स्ट डी एन एस रिस्पॉन्स पैकेट ये हमारा डी एन एस सर्वर से आने वाला पहला पैकेट है पैकेट नंबर थ्री आप इसको क्या करें लेट्स यूज दिस पैकेट टू क्रिएट ए डी एन एस डॉट टाइम कॉलम इस पैकेट को हम यूज़ करेंगे डी एन एस डॉट टाइम कॉलम क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं पैकेट नंबर थ्री को एक्सपैंड करते हैं उसका जो डोमेन नेम सिस्टम का जो रिस्पॉन्स सेक्शन है आप उसे एक्सपैंड करें राइट क्लिक ऑन टाइम टाइम डॉट जीरो पॉइंट वन जीरो सेवन ज़ीरो एट थ्री थ्री थाउजेंड सेकेंड्स इस लाइन को आप राइट right क्लिक करें और अप्लाई कर दें एज ए कॉलम अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में हम लोगों ने क्या किया हमारा जो पैकेट नंबर थ्री था उसका जो डोमेन नेम सिस्टम है उसमें गए डोमेन नेम सिस्टम के अंदर जाने के पास हमारा जो रिस्पॉन्स का सेक्शन है हम वहाँ पे गए और उसके ऊपर हमने राइट क्लिक किया राइट क्लिक करने के बाद अप्लाई एज ए कॉलम कर दिया तो हमारा टाइम नज़र आना शुरू हो गया है स्टेप नंबर फोर में जो न्यूली क्रिएटेड कॉलम है इट अपेयर्स टू द लेफ्ट ऑफ द इन्फ़ो कॉलम अब आप क्या करना चाह रहे हैं अगर आप इसकी लोकेशन मूव करना चाह रहे हैं इस कॉलम की तो आप क्या करें क्लिक करें एंड ड्रैक कर दें इस न्यूली क्रिएटेड कॉलम को टुवर्ड्स द राइट ऑफ द टी डेल्टा कॉलम तो टुवर्ड्स द राइट पे ले जाएं टी डेल्टा कॉलम ताकि इसकी विजिबिलिटी बेहतर हो सके जो पांचवा स्टेप है इस एक्सपेरिमेंट का वह उसमें हम क्या काम करते हैं वी राइट क्लिक ऑन द न्यू कॉलम हेडिंग एंड सेलेक्ट एडिट कॉलम डिटेल्स अब हम उसको रीनेम करना चाह रहे हैं इस कॉलम को आप उसे रीनेम कर दें डी एन एस डेल्टा के नाम से और फिर कर दें क्लिक ओके okay कर दें तो अगर आप देखें तो जब आप एडिट कॉलम करेंगे जब आपने कॉलम को कॉलम की डिटेल्स को एडिट करना हो तो यहाँ पे आपके पास डी एन एस डेल्टा का नाम आ रहा है और फील्ड नेम हमारे पास क्या है डी एन एस डॉट टाइम तो ये हमारा डी एन एस डॉट टाइम का वेरिएबल है और डी एन एस डेल्टा उसका टाइटल बन गया इस कॉलम का स्टेप नंबर सिक्स में हम क्या कैरी आउट करते हैं बाई क्लिकिंग द न्यू डी एन एस डेल्टा कॉलम ट्वाइस आप क्या कर रहे हैं अपने सारे पैकेट्स को सॉर्ट कर रहे हैं फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट तो वो पैकेट जिसका हाईएस्ट डीएनएस डिले टाइम था वो सबसे ऊपर आ जाएगा और जिसका लोएस्ट है वो सबसे नीचे आ जाएगा अगर आप देखें जब आपने डी डेल्टा को सॉर्ट किया तो आपके पास जो स्लोएस्ट डी एन हैं वो सबसे ऊपर आ गए हैं अगर आप देखें ये कौन सा पैकेट है ये पैकेट नंबर अलेवन है और इसका डी डेल्टा की वैल्यू कितनी है वन पॉइंट टू नाइन वन नाइन टू थाउजेंड है और ये डी प्रोटोकॉल है और ये हमारा रिस्पॉन्स है अगर आप देखें तो टी सी डेल्टा इसका एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि डी एन को यूज़ नहीं करता डी एन एस यूज कर रहा है यू को तो इसका ये जो कॉलम है ये ब्लैक के तौर पे नज़र आ रहा है इसकी कोई वैल्यू टी सी डेल्टा पे नज़र नहीं आ रही डी एन सर्वर की तरफ से जो रिस्पॉस आया उसकी जो हाइस्ट वैल्यू है दर इज़ ऑलमोस्ट वन पॉइंट टू नाइन दिस इज़ ए सिग्निफिकेंट डिले सिग्निफिकेंट डिले प्रोसीडिंग पैकेट नंबर अलेवन ऑफ दिस ट्रेस फाइल कैन बी ऑब्जर्व विच इज ऑलमोस्ट अबाउट थ्री सेकेंड्स वी नीड टू फर्दर इगेट फर्दर टू डि एस सर्वर इज वर्किंग वेरी स्लो यहाँ से हमें वायर शॉक ये तो बता देता है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन तो हो जाती है लेकिन डी एन एस सर्वर क्यों स्लो काम कर रहा है इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है तो इस लैब एक्सपेरिमेंट में इस टॉपिक में हम लोगों ने डी एन एस रिस्पॉन्स टाइम्स का एक कॉलम क्रिएट किया उनको शॉर्ट किया और हमने डी एन एस रिस्पॉन्स जो रिस्पॉन्स जनरेट रहा था सर्वर उनको एनालाइज किया